नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। रीवा शहर के 3 वार्डों की 4 सड़कों का हुआ भूमि पूजन, 1.5 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। महापौर, MIC सदस्य, पार्षद और स्थानीय निवासी रहे उपस्थित। मोहल्ले वासियों के लिए लाइफ लाइन है ये सड़क। आपको बता दें कि रीवा शहर के नेहरू नगर स्थित वार्ड क्रमांक 14, 10 एवं 13 की लाइफ लाइन रोड कही जाने वाली सड़क का आज भूमि पूजन महापौर अजय मिश्रा बाबा की उपस्थिति में, MIC सदस्य एवं वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में, मोहल्ले के नागरिक रिटायर्ड प्राचार्य द्वारा किया गया। बता दें कि सड़क के निर्माण हो जाने के बाद न्यू बस स्टैंड से इंजीनियरिंग कॉलेज तक आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। हम आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से जर्जर हो चुकी इस सड़क से वार्ड के रहवासी काफी परेशानी का सामना कर रहे थे। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व कांग्रेस की पार्टी द्वारा इस मार्ग को बनवाने का वादा अपने मैनिफेस्टो में भी किया गया था। उसे पूर्ण करते हुए उप्पल मोटर से लेकर जनता कॉलेज मोड़ तक लगभग 2 किलोमीटर के डामरीकरण रोड का एवं वार्ड 10 सुशील दुबे के घर के सामने वाली रोड का निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं भूमि पूजन रीवा शहर के प्रथम नागरिक महापौर अजय मिश्रा बाबा की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा, MIC सदस्य धनेंद्र पांडे, पार्षद एवं अन्य वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रस्तुत है महापौर से प्राप्त जानकारी के अंश। आज भैया चुप रहिए। ये उत्पल मोटर से लेकर जनता कॉलेज मोड़ तक और शारदा टीहा से लेकर ये इंजीनियरिंग कॉलेज तक और एक जनता कॉलेज से लेकर श्री जी तक, एक आपके बजरंग नगर से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक, नगर निगम ने 4 डामरीकरण के रोडों के निविदाएँ अभी 2 महीने पहले निकलवाई थी। ये इतनी महत्वाकांक्षी, इसको योजना ही बोल दें, ये रोड थी हमारी कि सीवरेज के कारण जो 214 करोड़ की सीवरेज योजना भारतीय जनता पार्टी की जब महापौर थी ममता गुप्ता उनके कार्यकाल में आई, उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। हमारी 110 किलोमीटर सड़कें जो कि जनता के टैक्स के पैसे से बनी थी सारी खराब हो गई। जब हम महापौर बने, बाढ़ की जनता की ये डिमांड थी, जब हम यहाँ प्रचार करने आए तो उन लोगों ने ये कहा कि पहला काम आप करेंगे कि चलने लायक हमको सड़क देंगे तभी हम आपको वोट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिर्फ छला, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने ये तय किया कि इस रोड के ऊपर अगर सीमेंट रोड बनाते हैं तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा, तो हम इसको पहले डामर की रोड अच्छी बनाएंगे, उसके साइड में जो जगह बचेगी उसमें पटरी में पेवर ब्लॉक लगा देंगे, जहाँ पर जल निकासी के कारण दिक्कत होगी सड़क को वहाँ पर नालियाँ बनाएंगे। तो आगे की तरफ हम लोगों ने नालियों का भी 21 लाख का टेंडर कर दिया है। ये मेसर्स शिव महिमा कॉन्ट्रेक्शन कंपनी को मिला है 63,27,000 का। ये कार है उत्पल मोटर से जनता कॉलेज मोड़ तक 35,53,000 का है। ये मिला है रुद्राक्ष इंटरप्राइजेज को, ये उमेश कुमार दुबे हैं, वो ये यहाँ से है आपके शारदा टीहा से इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ तक। तीसरा काम है रुद्राक्ष इंटरप्राइजेज को भी मिला है, वो आपका जनता कॉलेज वाली जो सड़क है वो वहाँ से श्री जी तक मिला है। और चौथा डामर का काम जो है वो है 22,37,000 का, धर्मेंद्र तिवारी हैं जी के इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बजरंग नगर वाली सड़क है। साथ में आज ही एक यहाँ पर शिव मंदिर है, वो 14,85,000 की उसकी बाउंड्री वाल और उसके साइड का पेवर का भी भूमि पूजन अभी होगा। कुल मिलाकर आज जो यहाँ पर है 1.5 करोड़ की लगभग की लागत का वार्ड नंबर 10, 13 और 14 की सड़कों का आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। और भूमि पूजन हमारे द्वारा नहीं किया गया, यहाँ के हमारे सम्भ्रांत नागरिक हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा किया गया है। भूमि पूजन करवाने का कार्य संविदाकार का है, क्योंकि संविदाकार जब अपना काम चालू करता है तो वो शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन करवाता है, तो वो किसी से भी करा सकता है। हमने भूमि पूजन की प्रथा को पूर्णतः बंद कर दी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में
टेंट पंडाल काजू कतली माइक और ढोल तमाशा के साथ भूमि पूजन होता था वो भूमि पूजन हमने बंद कर दिया। उसमें लाखों रुपए संविदा कार का खर्च होता था और वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार गया। रीवा नगर निगम क्षेत्र क्या हाल जगह आप देखिए, भूमि पूजन तो हम हर जगह नहीं कर सकते ना पहुंच सकते, पर जितनी सड़क बनाने सड़क तो आपको मैं बता रहा हूं कि 5 साल का कार्यकाल जनता ने दिया है, 5 महीने बीत गए। पहला नगर निगम का ऐसा मैं महापौर हूँ जिसने 42 करोड़ का टेंडर 1/8/2022 जो हमने शपथ ली है और 31/12/2022 को हमने समाप्त किया है 5 महीने का कार्यकाल, उसमें हमने 42 करोड़ की निविदाएं निकलवाई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के उपचुनाव पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज कराए गए। रीवा जिले में पंच और सरपंच के उपचुनाव के लिए मतदान आज हो रहे हैं जिसमें सभी पंच निर्विरोध चुन लिए गए थे, जिसके बाद अब सिर्फ 5 जगहों पर सरपंच के उपचुनाव के लिए मतदान कराया गया। इस संबंध में रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि जिले की 5 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद तथा 98 पंच पदों के लिए आज मतदान हो रहा है। इसमें सभी पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं, अब सिर्फ 5 सरपंच पदों के निर्वाचन के लिए मतदान जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत के संपूर्ण क्षेत्र तथा पंच पद के लिए ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड में चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू है और इसके पालन के लिए संबंधित क्षेत्र के SDM तहसीलदार व थाना प्रभारी भ्रमण कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरपंच पद के लिए जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत कटकी तथा पथरी, जनपद पंचायत नई गढ़ी की अकरिया, जनपद पंचायत हनुमना की पिपराही, जनपद पंचायत रीवा की गढ़वा तथा जनपद पंचायत गंगेओं की ग्राम पंचायत खैरा में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। बताया गया कि सरपंच पदों के लिए मतदान के बाद EVM को सुरक्षित रखा दिया जाएगा और 9 जनवरी को मतों की गणना के बाद इनका परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रस्तुत है कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, जिले में उपचुनाव कराए जा रहे हैं, आज स्थानीय निर्वाचन के उपचुनाव है। हमारे यहाँ पंच के और सरपंचों के पद थे लेकिन पंच के सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, इसलिए केवल 5 जगह पर सरपंचों का चुनाव हो रहा है। संबंधित SDM और तहसीलदार SDOP TI उनकी टीम जो है लगातार भ्रमण कर रही है और अच्छा मतदान हो रहा है। लगभग सभी जगह अभी तक 25% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 5 बजे के आसपास तक मतदान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोकल चुनाव में 80-85% के आसपास मतदान होता है। तो EVM से मतदान हो रहा है, उसके बाद जो EVM मशीनें हैं वो ब्लॉक लेवल पर सुरक्षित रखी जाएंगी और 9 तारीख को उसके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। सर, अभी क्या स्थिति है, कोई ऐसी? सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कलेक्टर SP ने सुहागी घाट का किया निरीक्षण, सड़क सुधार के दिए जरूरी निर्देश। कलेक्टर ने सुहागी घाट में ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। 11.5 करोड़ की लागत से सुहागी पहाड़ होगी व्यवस्थित, सुधारे जाएंगे ब्लैक स्पॉट। आपको बता दें कि रीवा जिले के मनगमा से चाकघाट 4 लेन सड़क में सुहागी घाट में इस वर्ष कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इन्हें रोकने के लिए घाट में आवश्यक सुधार तथा अन्य कार्य किए जा रहे हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प, SP नवनीत भसीन ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ सुहागी घाट का निरीक्षण किया, सड़क में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सुहागी घाट के सुधार के लिए दीर्घकालीन और तत्कालीन उपाय शुरू करें। गत बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार घाट में कुछ स्थानों को चौड़ा करने तथा सड़क में तकनीकी सुधार के काम शुरू करें। इस रोड को पूरी तरह से सुरक्षित रोड बनाया जाएगा। वर्ष की 2-4 सड़क दुर्घटनाएं अच्छे 4 लेन के लिए बदनामी का कारण बन जाती है। वहीं बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत वसीन ने कहा कि निर्माण एजेंसी आवश्यक संकेतक लगा रहे हैं। सुहागी घाट में पर्याप्त संख्या में संकेतक लगाए गए हैं। घाट के चिन्हित स्थानों में सोलर ब्लिंकर तत्काल लगाएं। सड़क में जिन स्थानों पर मीडियन मार्कर खराब हो गया है वहां उसे दोबारा लगाएं। प्रस्तुत है कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। हम लोग लगातार सुहागी का जो वो एक्सीडेंट हुई थी पिछली बार, तो उस जगह के फिर से वैसी कोई हादसा न हुई है, इसके लिए लगातार उस पर बैठक कर रहे हैं और जो भी आवश्यक वहाँ पे ज़रूरतें हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उसको पूरा कर रहे हैं। अभी हम लोग गए थे तो देखा है कि काफ़ी
रोड मार्किंग, और रात में हम लोग जब लौट के आ रहे थे प्रयागराज से तो काफ़ी रेडियम भी लगा दिया गया है, सोलर ब्लिंकर्स भी लगा हुआ है, जिसके कारण पहले के मुकाबले काफ़ी स्थिति ठीक है। रोड का जो अलाइनमेंट ठीक करना है और जो बड़े काम कर रहे हैं उसके लगभग 11 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी चला गया है यहाँ से बन के, और हम लोग उसको गवर्नमेंट में भी परस्यू कर रहे हैं ताकि वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल परिवर्तन करना है उस परिवर्तन पर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए। वहाँ पे एक एडिशनल लेन बनाने के बारे में भी कल बात निकली थी, जो बैठक में लोग थे उन लोगों की, तो उसके बारे में भी हमने एमपीआरडीसी को कहा है कि इसको एक तकनीकी परीक्षण कर ले, अगर संभव हो तो इस पर भी हम आगे काम करेंगे। शहर में संचालित बाल गृह से दो बच्चों ने ताला तोड़कर हुए फरार, विश्वविद्यालय पुलिस कर रही है तलाश। बता दें कि रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री नगर में संचालित हरि बाल गृह से दो बच्चों ने ताला तोड़कर भागने की खबर सामने आई है। हरि बाल गृह संचालक द्वारा इसकी शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज करा दी गई है। बताया गया कि जो बच्चे बाल गृह का ताला तोड़कर भागे हैं उनको बाल संप्रेषण गृह में रखा जाना था, लेकिन बीते 10 दिनों से दोनों बच्चों को हरि बाल गृह में रखा गया था, जहाँ से वह 2 दिन पूर्व शाम लगभग 8 बजे मुख्य गेट का ताला तोड़ कर फरार हो गए हैं। बताया गया है कि इसमें फरार हुए बच्चे जवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर हरि बाल गृह के संचालक विक्रांत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 10 दिनों से दोनों बच्चों को यहां रखा गया था, जो 2 दिन पूर्व ताला तोड़कर फरार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी 4 से 5 दफा ये बच्चे बाल संप्रेषण गृह में रह चुके हैं, लेकिन इस बार इन दोनों बच्चों को हमारे यहाँ रखा गया था, जहाँ मुख्य गेट का ताला तोड़कर 2 दिन पूर्व दोनों बच्चे भाग निकले हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरि बाल गृह में दर्जन भर बच्चे हैं, जिसमें से ये 2 बच्चे फिलहाल ताला तोड़कर भाग निकले हैं, जिसकी शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज करा दी गई है, जिनकी पुलिस अब तलाश कर रही है। वो बच्चे तो संप्रेषण गृह से आए थे, वो बच्चे पहले भी आपराधिक टाइप के थे, क्योंकि उन्हें काउंसलिंग के दौरान बताया था कि हमने सीधी में फोन वोना लूट के आए हैं, उसी व्यक्ति के 2 बार लूटे, और एक था वो जवा का, जवा में कोई गांव है वहाँ का था, वो भी बाइक को चोरी किया था, काउंसलिंग के दौरान उन्हें बताया। उसके बाद यहाँ पे एक आया था, एक बच्चा है जो हिनौती का है, वो 14/12/2022 को आया था, एक बालक है रघुनाथपुर का, ये 2/12/2022 को आए थे। यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू रहते थे, हमारे यहाँ कुल 12 कर्मचारी हैं, जो कि अलग अलग, कोई मॉर्निंग में आता कोई शाम के आता, इस हिसाब से आते थे, तो बच्चे रहते थे हमारे यहाँ। दिनांक 3/1/2022 को 2023 को शाम में 7 बजे हम लोग ड्यूटी में थे, लेकिन शाम के 5 बजे चले गए। उसमें हमारे यहाँ सुरक्षाकर्मी दीपक पटेल थे, सब बच्चे नीचे आए, 4 बजे नाश्ता करके नीचे आए, सबको अंदर ताला वाला बंद हो गया, नीचे सब बच्चे टीवी देख रहे थे। एक बच्चा बोला कि सर हमारा कपड़ा जो है ऊपर रखा हुआ है धोने के लिए, तो हम कपड़े धो के आते हैं। दीपक ने बोल दिया कि हाँ धो के जल्दी आ। उसके बाद दूसरा बच्चा भी बोला कि सर हम बाथरूम करने जा रहे हैं आते हैं। ये सब 5 मिनट ऊपर गए नहीं तो क्या पता कैसे प्लानिंग बनाते ताले, क्या पता दोपहर ही तोड़े रहे होंगे ताला वाला। ऊपर गए 5-10 मिनट बाद पता चला कि वो कूद गए, तो बाद में कुछ बच्चे ऊपर गए तो वहाँ देखा कि सर वो दोनों बच्चे गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद वहाँ गए तो देखे ताला वाला टूटा था। उसके बाद सुरक्षाकर्मी ने हमको फ़ोन किया तो हम यहाँ तुरंत आए, देखे तो ताला टूटा था, हमने फुटेज वुटेज देखा तो दोनों बच्चे इधर साइड में जनता गेट साइड में भागे। तो हमने सुरक्षा गार्ड को बोला कि जल्दी जाओ, इन्हें जाके उधर देखा तो उधर देखा था आस पास, देखा तो कहीं झाड़ी वाड़ी कहीं नहीं दिखे। उसके बाद हम लोग भी, हमारी टीम आई, फिर हम लोग गए बस स्टैंड रेलवे स्टेशन सकल देखता किया, कहीं नहीं मिला। उसी दौरान हमने थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि सर हमारे यहाँ 2 बच्चे भाग गए हैं। दो बच्चों के जाने की जानकारी मिलने पर तत्काल थाने की टीम ने मौका मुआयना किया और वहाँ जाकर जब घटनास्थल का विजिट उन्होंने किया और जानकारियाँ पूरी एकत्रित की तो इस विषय में अपराध उन्होंने पंजीबद्ध कर दिया है थाने ने, और थाने की टीम पूरी तरह से इसमें डेडिकेट लगी हुई है, और उनका जो उनके संपर्क सूत्र हैं, पिछले उनके मित्र हैं, साथी हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे भी जानकारी निकाली जा रही है, जिससे कि अतिशीघ्र उनको वापस वहाँ पे लाया जा सके।
कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाने वाली रीवा पुलिस के ऊपर उस वक्त सवाल खड़े होने लगे जब पीड़ित महिलाएं इस ठुठरन भरी ठंड में संभाग के सबसे बड़े अधिकारी के कार्यालय के बाहर देर रात धरने पर बैठ गई। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को लगी तो उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास शुरू कर दिया और तत्काल मौके पर CSP के नेतृत्व में पुलिस बल भेजकर पीड़ित महिलाओं से मान मनौवल करने लगे। इस बीच देर रात मौके पर पहुंचे SDM तहसीलदार सहित पुलिस अधिकारियों ने तत्काल संबंधित थाने के पुलिस से आरोपियों को पकड़ाकर महिलाओं को धरना प्रदर्शन से उठाया और पूरे मामले को शांत कराया। पर यहां एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन पीड़ितों को थाने में ही न्याय क्यों नहीं मिलता, जिसके चलते इन्हें अपनी जान हथेली में रखकर अधिकारियों के चौखट तक आना पड़ता है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत हटवा चेक नंबर 1 निवासी सुषमा शर्मा और उनकी बहू सहित परिवार की महिलाएं बीती देर रात पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के बाहर आकर कड़कड़ाती ठंड में धरने पर ही बैठ गईं। महिलाओं ने बताया कि उनके परिवार के ही नागेंद्र शर्मा राजेंद्र शर्मा द्वारा घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने शाहपुर थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन थाना प्रभारी बालकेश सिंह द्वारा उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद महिलाओं ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत कर कार्रवाई का निवेदन किया था, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आज वह IG कार्यालय के बाहर धरने पर जाकर बैठ गई। महिलाओं के धरने पर बैठे जाने की सूचना जैसे ही पुलिस अधिकारियों तक पहुंची, उन्होंने तत्काल CSP शिवाली चतुर्वेदी सहित शहरी क्षेत्र के कई थाना प्रभारियों को मौके पर भेजा और मान मनौवल शुरू कर दिया। वहीं देर रात ADG कार्यालय पहुंचकर SDM अनुराग तिवारी, DSP गायत्री तिवारी ने महिलाओं को समझाइश दी एवं DIG नवनीत भसीन के निर्देश पर शाहपुर एवं खटकरी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद धरने पर बैठी महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ और धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। प्रस्तुत है DSP गायत्री तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। लाला हमारे नाती के गाड़ी में ठोकर मारी नारेंद्र नागेंद्र शर्मा शाहपुर थाने का, हमारे नाती का रिपोर्ट करे, रिपोर्ट करके आवा तो हमारे घरे मुपाद मचाए, माने गाली गुप्ता खूब घिनई देने लगा। हम उसके गोड़े गिरे, हाथ जोड़े, तब भी नहीं माना। फिर बेटवा हमार बाद में 1 तारीख 20 जने हमारे दुआरे में मार घेर लीहन, हम नाती का निकाल दे, कहा चक्कू से मारा भी, रिपोर्ट मार गरा करे जी। घटना की शिकायत कहाँ किए थे? शाहपुर माँ, हाँ हमार नाती का, हम गए नहीं आगे गए अकेले, पहले गए 30 तारीख, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कार्रवाई किया। काल जब हमारे घर में इतना तोड़ फोड़ हुआ, 11 बजे से हमारे दुआरे में भीड़ लग गई, बासन से कैमरा खोल खोल अंदर सकाने, सब तोड़ फोड़ मचाए, ढूंढ रहे थाना प्रभारी दरोगा बालकेश सिंह के द्वारा हमरे लड़कन का घटना करा सकत है, बंदिश मंगा रहा था, गुंडा पाले हैं गांव में, उनके सांस से ही गुंडा पाले हैं बेटवा, सब थे उनके लगे फोन के नंबर जात है, घोंस ले था लानिया, हमरे घोंस दे का नहीं आए न के फोन करे वाला। हमारा नाती आया बेटवा 1 तारीख कहीं आप भेजन हम रीवा, अरे हम तो ऐसे 4 साल से दौड़ रहे हैं, हमारे लड़के अभी हम आज आई हैं रीवा, हमारा नाती सब अधिकारियों के पास पावती है, SP के यहाँ दिया, IG के यहाँ दिया, और कहाँ कहाँ दिया, सब पावती है, पढ़ लो, कहीं सुनवाई नहीं हुई बेटा। कल इतना अति हो गया हमारे घर में, तब हम 100 नंबर 11 ये शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हटवा गांव से आई हैं महिलाएं सत्या तिवारी और उनके परिजन हैं। इनका कहना है कि दूसरा पक्ष है जो इनके गांव का ही है, जो इनके साथ वाद विवाद कर रहा है और इनके घर में तोड़फोड़ कर रहा है, जिसमें थाना में अपराध पंजीबद्ध है, उसमें दूसरे पक्ष को भी अभी पुलिस थाना शाहपुर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसमें अभी पूछताछ कर चल रही है, जैसे भी जो भी तथ्य आते हैं उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी उनको समझाइश दी गई है, उनसे समय लिया गया है, दूसरे पक्ष को भी अब तो वो समाप्त हो चुका है और वो संतुष्ट होकर यहाँ से जा चुके हैं। आइए रीवा उद्योग एवं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए कार्यशाला का प्रयागराज में हुआ आयोजन, कलेक्टर SP हुए शामिल। बता दें कि उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं से समृद्ध रीवा जिले में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं अन्य राज्यों के उद्यमी। रीवा जिले को मिलेगा 250 करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश का लाभ, प्रयागराज के उद्यमियों ने निवेश में दिखाई रुचि।
बता दें रीवा जिले के विकास में एक और उपलब्धि उस वक्त जुड़ गई जब जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उद्योग एवं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु आई रीवा कार्यशाला में निवेशकों ने रुचि दिखाई तथा लगभग 250 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर अपनी सहमति भी जताई है। जिले में फूड पार्क, इथेनॉल षड्यंत्र, पफन ग्लास तथा फ्लोर मिल सहित पर्यटन के क्षेत्र में फिल्म शूटिंग स्टूडियो रिजॉर्ट व टूरिंग स्पॉट स्थापना पर सहमति जताई गई है। जिला व्यापार केंद्र, जिला पुरातत्व विकास परिषद एवं IIA प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में प्रयागराज में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि तेजी से बढ़ते हुए संसाधनों से भरपूर रीवा जिले में उद्योग एवं पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। खेती, उद्योग एवं पर्यटन के क्षेत्र में रीवा अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ निवेश करने की सभी अनुकूल संभावनाएं हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए रीवा में निवेश जरूर करें। निवेशकों को हर संभव मदद व सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि रीवा जिला शांति प्रिय जिला है। पुलिस का आमजन, व्यापारी, उद्योगपतियों के साथ मित्रवत व्यवहार है तथा वह बेहिचक अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। प्रस्तुत है कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। पूरा कार्यप्रणाली चल रही है प्रशासन और इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ घोषित हो गया है। आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी भूमि पूजन किया था और उसके बाद उसके विकास के लिए भी राशि स्वीकृत हो गई है। LUN उसके विकास कार्यों को अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक शुरू कर देगा, उसके लिए भी राशि मंजूर हो गई है। वहाँ पे जो एडज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आसपास के उद्योगपति हैं उनका काफ़ी इंटरेस्ट शो हो रहा है। उन लोगों ने यहाँ जब हम लोगों ने बैठक की थी तो यहाँ भी आए थे और कल उन लोगों ने आमंत्रित किया था हम लोगों को उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग कल इलाहाबाद में उनके साथ एक वर्कशॉप भी किए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा है कि काफ़ी लोग एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में और डिफरेंट अपैरल सेक्टर में वहाँ पे आने में रुचि दिखा रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा जब वो हम लोग उसको साइट खुलेगी तो वहाँ पर ज़मीन लेने के लिए काफ़ी अच्छी लोगों की रुचि आएगी और 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की संभावना दिख रही है। सब रोजगार में एक बड़ा बदलाव आएगा निश्चित रूप से। हमारी जो भी MSME की पॉलिसी है वो रोजगार से लिंक्ड है कि जो भी व्यक्ति को प्लॉट दिया जाएगा तो उनको अपने यूनिट में वो निश्चित संख्या है उतने रोजगार देने की आवश्यकता होगी और उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। आज जैसा कि हम लोगों ने प्रयागराज में आकर यहाँ के व्यापारी बंधु और विभिन्न उद्यमियों से चर्चा की है और उनको रीवा की संभावनाओं से अवगत कराया है, साथ ही उनको आश्वस्त किया है कि उन्हें वहाँ पर एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा और अपराधों से नियंत्रण वर्तमान में सरकार से चल रहा है ये कंटिन्यूस रहेगा और हम लगातार उनके साथ संपर्क संवाद करेंगे और उनकी सभी समस्याओं को प्रायोरिटी पे हल करने का प्रयास करेंगे। और इस आश्वासन के साथ उन लोगों ने भी हमें भरोसा दिलाया है कि वो लोग वहाँ में रीवा का विजिट करेंगे और वहाँ संभावनाओं को तलाश के अपनी जो भी उनकी नई प्लानिंग है उसको वहाँ पर करने की। परीक्षा फीस में हुई वृद्धि को लेकर छात्रों ने किया विश्वविद्यालय में हंगामा, कुलपति को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले कॉलेज के छात्रों ने आज कुलपति को ज्ञापन सौंप कर परीक्षा फीस में की गई वृद्धि को वापस लेने के लिए मांग की है। छात्रों का कहना है कि अचानक से फीस में वृद्धि किया जाना उचित नहीं है क्योंकि हर छात्र पूंजीपति नहीं होता और फीस बढ़ाने से उसका बजट बिगड़ सकता है। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्र दिव्य त्रिपाठी ने बताया कि आज हम लोग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आए हुए हैं जहां कुलपति से अपनी समस्याओं को लेकर मुलाकात करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा है। छात्र ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा MSc और MA की परीक्षा फीस में अचानक से वृद्धि कर दी गई है। बताया गया कि पहले 1450 रुपये फीस लगती थी जिसे बढ़ाकर 2300 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से पुनः मूल्यांकन की फीस को 250 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। छात्रों ने कहा कि इतनी अधिक फीस में वृद्धि होने से उनके सामने पठन पाठन की समस्या आ गई है क्योंकि छात्र के पास आय का कोई साधन नहीं होता जिसके चलते उसे फीस जमा करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बिना किसी पूर्ण सूचना के एक साथ इतनी फीस में वृद्धि किए जाने से उनका बजट भी बिगड़ गया है। छात्रों की मांग है कि फीस वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए और पुरानी फीस के आधार पर ही परीक्षाओं की फीस जमा कराई जाए। प्रस्तुत है छात्र सहित विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य से प्राप्त जानकारी के अंश।
जी भैया, आप लोगों को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं? क्या मैं देवव्रत त्रिपाठी, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय का छात्र। आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय द्वारा तानाशाही तरीके से जो परीक्षा वृद्धि कर दी गई थी, जैसा कि आपको सबको पता है कि जुलाई माह से हमारे सत्र चालू होते हैं और जून माह तक सत्र, इसके बीच में बिना किसी अधिसूचना के अचानक फीस वृद्धि कर देना छात्रों के बजट से बाहर और हर छात्र को पूंजीपति समझना यह विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी भूल है। इस सब विसंगतियों को दूर करने के लिए आज हम सभी छात्र कुलपति महोदय के पास एकत्रित हुए और ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दी है कि हमारी जो पूर्व फीसें थी जिनको दुगुना कर दिया गया परीक्षा फीसें, उनको फिर से उतनी ही फीस रखी जाए और छात्रों के प्रति छात्र हित की व्यवस्था दिखाई जाए। क्या मांगे थे उनकी, क्या कहना था मांगे? छात्रों की परीक्षा फीस में विश्वविद्यालय द्वारा वृद्धि की गई है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में जो नई NEP के अंतर्गत हमने सिस्टम को डेवलप किया है उस सब में व्यवहार बढ़ा है। चूँकि विश्वविद्यालय द्वारा 2016 से अभी तक कभी परीक्षा शुल्क नहीं बढ़ा था, उसके कारण बहुत अधिक आर्थिक कठिनाइयां विश्वविद्यालय के सामने थी, तो कुछ थोड़ा सा शुल्क बढ़ाया गया था। छात्रों का ऐसा कहना है कि इस शुल्क को ना बढ़ाया जाए, तो छात्रों के द्वारा तो अपनी बात रखना स्वाभाविक है। विश्वविद्यालय उस पर और गंभीरता से एक बार बैठकर और सारे बिंदुओं पर विचार करेगा, ऐसा आश्वासन छात्रों को दिया है। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।